Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will provide solution procedure for a question that is taken from PA Economics Honors Semester 4, Paper 8, Mathematical Method for Economics. This question is related to set of simultaneous equations. I will provide solution through matrix method. ठीक है? ये सेट ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है? इसको मैं मैट्रिक्स मेथड से सोल्यूशन में प्रेजेंट करूंगा। इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में मैंने क्रैमर रूल से बतलाया है, तो स्टार्ट किया जाए वीडियो। और ये 20 नंबर का पूछा जाता है फॉर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एंड विनोद बिहारी महतो पलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। तो आप यू कैन सी देयर आर थ्री गिवन सेट ऑफ थ्री इक्वेशन 1 2 3। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, दिस इक्वेशन इन्वॉल्व थ्री वेरिएबल, जैसा कि क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्टेड किया गया है एक्स वाई जेड का वैल्यू करना है। लेकिन प्रत्येक इक्वेशन में एक वेरिएबल मिसिंग है, उस पर थोड़ा सा काम पहले कर लेना पड़ेगा, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 0 इंटू जेड हम लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर प्लस करेंगे तो ऊपर वाला होगा। ठीक है, और मिसिंग जेड भी वेरीफाई हो गया, मैंने आ गया। यहां पर x मिसिंग है, 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60। अब यहां क्या है, 5x ऑलरेडी है प्लस y मिसिंग है, तो 0 इंटू वाई प्लस 3z इक्वल टू 21। ठीक है, अब यहां से क्या करना है कि सबसे पहले कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जेड को एक मैट्रिक्स बना के लिख लेना है। ठीक है, अब कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है भाई, पहला इक्वेशन में 2, दूसरा इक्वेशन में 0 और तीसरा इक्वेशन में 5, तो 2 0 5। सिमिलरली वाई का यहां कुछ नहीं, तो -1 है, 3 है, 0 है, यहां 0 है, 2 है, 3 है। ये मल्टीप्लाई किससे, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है भाई, उसको भी मैट्रिक्स बना के हमको लिख देना है 2 16 21। अब किसी को डाउट होगा तो यह मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो हाँ ये रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे ये फर्स्ट रो को इससे करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई हो गया, 0 इंटू जेड 0 जेड। फिर दूसरा रो को हम उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू एक्स 0, ठीक है, 3 इंटू वाई, रो को हम कॉलम से कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, 2 इंटू जेड 2 जेड, इस तरह। फिर तीसरा रो उठाएंगे, इससे एक एक से करते जाएंगे। ठीक है, इतना होने पर आपको करना है जो कॉफिशियंट ऑफ, जो भी कॉफिशियंट ऑफ ए से हम बना है उसको ए नाम देंगे, कैपिटल ए, और जो एक्स वाई जेड हम उसको अगर एक्स नाम दे दें कैपिटल एक्स इक्वल टू, और जो ये क्या कहते हैं कांस्टेंट का मैट्रिक्स उसको बी नाम दे। अब देयरफॉर अब यहां इसी रिलेशन से निकलेगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, इनवर्स बी ये फॉर्मूला है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसका मीनिंग ये है जब भी किसी संख्या के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर माइनस वन लगा दें या किसी भी वेरिएबल के ऊपर, इसका मीनिंग होता है 1/a। अगर इधर 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 मल्टीप्लाइकेशन है LHS साइड में, उधर जाएगा तो 1/b होगा, सॉरी b/a होगा। ठीक है, किसको हम लिख सकते हैं 1/a को, या आप इस तरह देखो एक्स को इधर हम शिफ्ट करेंगे तो b/a होगा। ठीक है, तो इतना बराबर हम ये तो लिख सकते हैं 1/a टाइम्स बी, बाकी ऊपर वाला ही आ जाएगा, इतना का वैल्यू ए इनवर्स है, ए इनवर्स बी।
तो अब सबसे पहले हमको ए इनवर्स बी का वैल्यू सॉरी ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल है, उस पर हम लोग काम करते हैं। अब तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। कहां से लेना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये ए वाला, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आगे इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या है डिटरमिनेंट का? 2 - 1 - 0, 0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 0, 3, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहला एलिमेंट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, अल्टरनेटिव जाता है, ठीक है। या पहला रो हम वो जब करवाएंगे को फैक्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको 3 by 3 हो, कोई भी बाय का हो, तो अल्टरनेटिव पहले प्लस से शुरू करना है, माइनस प्लस करना है। इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 2 हम जैसे इसको चूज कर रहे हैं, तो डिलीट ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंटेनिंग ऑफ 2। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या? 3, 2, 0, 3, ठीक है। माइनस, फिर ऑलरेडी माइनस 1 होगा। अब इसमें डिलीट ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ -1। तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 0, 5, 2, 3, फिर प्लस 0, दिस रो कैंसिल, दिस कॉलम कैंसिल, 0, 3, 5, 0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके वैल्यू निकालेंगे। तो 2, 3, 3 जा 9, माइनस 0, 2 × 0, 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 0 × 3, 0, माइनस 5 × 2 = 10। अब इसको 0, 0 × -15, ये टर्म पूरा 0 ही हो जाएगा। यहाँ 2 × 9 + 1 × -10, और ये 0 है, तो 0 से प्लस करेंगे तो 0 ही होगा, माइनस 10 ही होगा, ठीक है। 2, 9 × 2 = 18, प्लस माइनस माइनस 10 = 8। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। जब इसका वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं आता है, तब इस तभी इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट्स द व्हाई देयर इज ए स्कोप फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या निकाले हम लोगों ने अभी निकाला, इसका बाद में हमें काम आएगा, 8 निकला। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है, कोफैक्टर निकालना है। जो मैट्रिक्स ओरिजिनल है ये, उसका कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। 2 - 1 = 0, 0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 0, 3, ठीक है। अब ये तो इसका नाम ए दिया गया है, मैट्रिक्स है। अब इसका सारा जो एलिमेंट का प्लेसमेंट देखो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका पहला जो डिजिट है, जैसे A11, तो पहला डिजिट इंडिकेटिंग रो एंड वेयर एज सेकंड डिजिट इंडिकेटिंग कॉलम। तो इसका देखिए प्लेसमेंट है क्या है, कि ये
टू का ए वन वन मतलब पहला रो पहला रो पहला कॉलम ए वन टू यानी पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम, ठीक है। अब इसका साइन आप आराम से निकाल सकते हैं, एक बात बता दें, जैसे ए वन वन ये दोनों को हम ऐड करेंगे वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। अब जैसे ए वन टू पहला रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसका साइन वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, तो इसका माइनस होगा। ऐसा क्यों? जो इवन नंबर होगा जो टू का मल्टीपल होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, जो जो टू से माने क्या डिविजिबल नहीं होगा उसका माने ऑड नंबर होगा थ्री फाइव सेवन, तो उसका साइन माइनस होगा निगेटिव होगा, ठीक है। या जो टू से मल्टीपल ऐसी जो टू से डिविजिबल होगा उसमें प्लस साइन देंगे, जो नहीं होगा उसको माइनस साइन देंगे। अब कोफैक्टर निकालना काफी आसान हो गया, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ ए वन वन, ठीक है, ए वन वन आप यहां प्लस या माइनस होगा तो पहले डिसाइड कर लेना, यहां पर साइन देना है तो वन प्लस वन इक्वल टू टू यानी पॉजिटिव साइन, तो कोई साइन भी नहीं देने की जरूरत है, पॉजिटिव ऑलरेडी हिडन होता है। अब जैसे क्या कोफैक्टर ए वन वन ही टू का, तो डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ टू, बचा क्या थ्री टू जीरो थ्री, ठीक है, थ्री थ्री या नाइन माइनस जीरो इन जीरो इंटू टू जीरो इक्वल टू नाइन, तो पहला आ गया ए वन वन का कोफैक्टर इस मैट्रिक्स का नाइन है। कोफैक्टर ऑफ सिमिलरली इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए वन टू दूसरा हो ए वन टू, अब इसका साइन क्या होगा वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, ऑड नंबर माइनस साइन दे देना है। उसके बाद इसका लिखना है डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग माइनस वन दैट इज ए वन टू, दिस रो कैंसिल दिस कॉलम कैंसिल जीरो फाइव टू थ्री, ठीक है, माइनस रखना है जीरो इंटू थ्री जीरो फाइव टू जा माइनस टेन माइनस माइनस टेन इक्वल टू थ्री, दूसरा एलिमेंट टेन आ गया। को फैक्टर ऑफ ए वन थ्री, अब इसका साइन वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर पॉजिटिव होगा, इसमें कोई साइन नहीं देना, जहां निगेटिव होगा वहां देना है, पॉजिटिव तो ऑलरेडी हिडन रहता है। तो डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ जीरो ऑल द एलिमेंट ऑफ All deleting all element of row and column consisting of zero. This row cancel, this column cancel. Zero three, zero three five zero. यहाँ sign तो कोई लफड़ा ही नहीं क्योंकि even number आ रहा है, तो zero minus five three जा fifteen minus fifteen आ गया, तो यहाँ लिखते जा रहे हैं उसका value minus fifteen. उसके बाद co factor of ए टू वन ये वाला, ठीक है, इसका माइनस होगा भाई टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब इसका जीरो है इसका प्लेसमेंट, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल माइनस वन माइनस वन जीरो जीरो थ्री टू वन ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल जीरो वन, ठीक है, माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस जीरो माइनस माइनस थ्री इक्वल टू प्लस थ्री, तो इसका आया थ्री। कोफैक्टर ऑफ ए टू टू ये तो पॉजिटिव आएगा, इवन नंबर दोनों को जोड़ेंगे तो डिलीटिंग इसका पोजीशन थ्री है, डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ थ्री, दिस रो कैंसिल दिस कॉलम कैंसिल टू फाइव कमिंग जीरो थ्री
थ्री टू जा सिक्स माइनस फाइव इंटू जीरो जीरो दैट इज सिक्स थ्री सिक्स को फैक्टर ऑफ एट टू थ्री ये माइनस होगा टू और थ्री फाइव होता है जो ऑड नंबर है तो इसका प्लेसमेंट टू है तो डिलीटिंग ऑल द रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ टू दिस कॉलम कैंसिल दिस रो कैंसिल टू माइनस वन फाइव जीरो माइनस जीरो टू इंटू जीरो जीरो माइनस फाइव ओके माइनस फाइव और यहाँ माइनस फाइव वन मिनट इस तरह देखो ज्यादा समझ में आ माइनस फाइव हो जाएगा इससे तो माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया सिचुएशन तो माइनस ये माइनस इंटू माइनस प्लस ठीक है प्लस माइनस फाइव इसका वैल्यू आएगा तो मैंने माइनस फाइव यहाँ दे दिया ठीक है स्पेस की पॉजिटिव जिसके कारण मैं ये मिटाऊंगा तभी को फैक्टर ऑफ आगे का निकलेगा अब तीसरा रो का निकालेंगे को फैक्टर कोफैक्टर ऑफ ए वन थ्री ठीक है थ्री और वन फोर इसमें कोई साइन वगैरह का लफड़ा नहीं है इसका प्लेसमेंट फाइव होगा ठीक है ए थ्री वन तो डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ फाइव माइनस वन जीरो थ्री टू ठीक है माइनस टू माइनस जीरो इक्वल टू माइनस टू माइनस टू कोफैक्टर ऑफ ए थ्री टू थ्री टू इक्वल टू फाइव ऑड नंबर माइनस साइन ठीक है प्लेसमेंट जीरो द डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ जीरो टू टू जीरो जीरो टू ठीक है माइनस टू टू जा फोर माइनस जीरो डेट इज द माइनस फोर माइनस फोर को फैक्टर ऑफ ए थ्री 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 प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स पॉजिटिव साइन लेंगे इसका प्लेसमेंट थ्री डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ थ्री टू माइनस वन जीरो थ्री थ्री टू जा सिक्स माइनस जीरो इक्वल टू सिक्स ठीक है ये मैं जानकारी के लिए यहां लिख लिया ठीक है इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू फाइंड ए इनवर्स ठीक है दूसरा जो स्टेप है आपको वो लिखना पड़ेगा यहां पर मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए जो ए के मैट्रिक्स के कोफैक्टर से हमको लिखना है वो है तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं लेकिन यहां पर फिर भी मैं लिख दे रहा हूं वहां जानकारी के लिए मैं लिखा था मेरे पास स्पेस की कमी है नाइन टेन माइनस फिफ्टीन थ्री सिक्स माइनस फाइव माइनस टू माइनस फोर सिक्स कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इसके बाद क्या निकालना एडजॉइंट बाय मैट्रिक्स ए तो क्या करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना तो नाइन थ्री माइनस टू टेन सिक्स माइनस फोर माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव अब जब ट्रांसपोज करेंगे इसको टी से डिनोट करते हैं तो इसको कुछ नहीं करना है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है मैं कॉलम को रो में कन्वर्ट करना कर रहा हूं तो नाइन थ्री माइनस टू टेन सिक्स माइनस फोर
माइनस 50 माइनस 5 6, ये जो कॉलम है उसको यहाँ रो में लिख देना है। देखिए 9 3 माइनस 2, फिर दूसरा, ये दूसरा कॉलम है लेकिन यहाँ दूसरा रो बन गया। ठीक है, इतना करने के बाद ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता 1 बाय डिटर्मिनेंट ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो वेरी इजीली हम लोग जानेंगे, तो 1 बाय वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम 8 निकाले थे। ठीक है, दिस इज द ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर 3 9 3 माइनस 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए आया, मल्टीप्लाई कर दिए 10 6 माइनस 4 माइनस 50 माइनस 5 6, दिस इज द ए इनवर्स। ठीक है, हम लोगों ने ए इनवर्स निकाल लिया। ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा, ए एक्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये वाला मैं लिख लेता हूं, थोड़ा स्पेस बनाता हूं। ठीक है, अब ए इनवर्स बराबर हमारा क्या वैल्यू आया, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय 8। ठीक है, 9 3 माइनस 2 10 6 माइनस 4 माइनस 50 माइनस 5 6। जब ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया तो मैं इजीली अब बाकी का चीजें निकालना आसान हो गया। इसको मैं मिटा देता हूं। एक हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, वो फॉर्मूला पर काम करते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। ठीक है, तो ए इनवर्स ये फॉर्मूला था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या था भाई, छोड़ दीजिए अभी x का वैल्यू, अभी ए इनवर्स का वैल्यू हम लोगों ने भी तुरंत निकाला है। ठीक है, उसका वैल्यू है 1 बाय 8, और जो मैट्रिक्स में हम लोगों ने निकाला उस पर लिखता हूं, और बी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, जो मिटा दिए, यही था 2 2 16 21, यही था। और ए इनवर्स का भी वैल्यू निकाले 1 बाय 8 3 9 3 माइनस 2 10 6 माइनस 4 माइनस 50 माइनस 5 6 9 3 माइनस 2 10 6 माइनस 4। अब क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाईकेशन करना है। ठीक है, 1 बाय 8 अपना जगह पर रहने दो। ठीक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिक्स में, ये तो मल्टीप्लाई है बीच का। ठीक है, तो 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16 48, -2 इंटू 21 -42, एक काम हो गया। अब यहाँ दूसरा रो को इस तीनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सिग्मा, इस रो के सारे एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई मैं करूँगा, 10 इंटू 2 20 होगा, लेकिन हम लिखते जा रहे हैं 6 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 21। अब यहाँ क्या है, सारा चीज को लिखते जाओ, उससे पहले 1 बाय 8 भी आएगा इसलिए छोटे। अब यहाँ लिखते जाओ, ये x बराबर जा रहा है, ठीक है, कैपिटल x, 9 2 जा 80 48 माइनस 42 20 16 6 जा 96 माइनस 84
माइनस 30, माइनस 80, माइनस प्लस 126। अब x इक्वल टू हमारा 1/8। अब इसको कैलकुलेशन करके हमारा क्या आएगा, आप यहां देखो 6, ये दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 आएगा, 6 और 8 कितना होगा 24, मैं वहां 24 लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा है 20 और 96, 20 96 क्या होगा 6 11 84, 2 3, 32 आएगा, 32 हो गया। अब उसके बाद क्या है, 126 माइनस 110 माइनस 16, तो आ गया 16, प्लस 16 आया। अब ये 1/8 तीनों में डिवाइड हो जाएगा, 24/8, 32/8 एंड 16/8। अब इसको वैल्यू क्या होगा, 8 3 24, 8 4 32, 8 2 16, ये जो वैल्यू हमारा आया 8 3 4 2। तो x का याद कीजिए, रिमेम्बर x, कैपिटल x को हम क्या माने थे, x y z, ठीक है, जिसके जो सिद्ध में वैल्यू आया 3 4 2। तो वैल्यू ऑफ x y z का क्या आ गया, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू, ये आंसर हुआ। लेकिन एक दिमाग में डाउट चलेगा कि मेरा सलूशन सही है कि नहीं, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन में जो दिया गया है सलूशन, उससे हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमारा सलूशन क्लियर है। देखेंगे 2x, x का वैल्यू क्या है 3, 2 × 3 माइनस y का वैल्यू 4 है, ठीक है। अब ये दोनों को 3 × 2 = 6 माइनस 4 = 2, तो पहला इक्वेशन तो 2 के बराबर है, इसी तरह 3y प्लस 2z इक्वल टू 16 आना चाहिए। पहले से उठा लो 3 × 4 प्लस 2 × 2, ठीक है, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16, एकदम वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है। तीसरा 3z प्लस 5x प्लस इक्वल टू 21, तो 3z 3 × 2, z का वैल्यू 2 है, प्लस 5 × 3, अब इसके बराबर हमारा 21 आना चाहिए, तो 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, दोनों को ऐड करते 21, ये जिसके बराबर आ गया, तो हमारा सलूशन सही है, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी गॉट द कंसेप्ट आई डिस्कस अंडर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।